हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डे ड्रीम के क्वेश्चन और आंसर स्टडी करेंगे। अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड कॉपी देम इन योर नोटबुक। जो वर्ड दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है, जोर से पढ़ना है और उसको क्या करना है, कॉपी में लिखना है। अभी देखिए, फर्स्ट वर्ड है आइडल, उसको क्या पढ़ेंगे, आइडल मतलब बेकार। इनफ काफी, एक्सक्लेम चिल्लाना, कमोशन शोर, एस्टोनिश आश्चर्य चकित, एंटिक्स हरकतें, वैंडर घूमना भटकना, वेल्डिंग फिराना। सेकेंड क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट वन, व्हाट डिड द हस्बैंड वांट टू बाय। हस्बैंड क्या खरीदना चाहता था। आंसर इज द हस्बैंड वांटेड टू बाय फ्यू काउ। वो क्या खरीदना चाहता था, कुछ गायें खरीदना चाहता था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट प्लान्स डिड द वाइफ मेक। जो वाइफ थी उसने कौन से प्लान्स बनाए हुए थे। आंसर इज शी वांटेड टू मेक मिल्क प्रोडक्ट लाइक घी बटर दही एंड वांटेड टू सेंड मिल्क टू हर सिस्टर। अभी देखिए, वाइफ जो है वह मिल्क प्रोडक्ट बनाना चाहती थी, जैसे कि घी बटर दही, और उसकी जो सिस्टर थी उसको भेजना चाहती थी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द हस्बैंड वांट टू डू विद द एक्स्ट्रा मिल्क। जो एक्स्ट्रा मिल्क था, ज्यादा का जो दूध था, उससे जो हस्बैंड है वो क्या करना चाहता था। द हस्बैंड डिसाइडेड टू सेल एक्स्ट्रा मिल्क इन द मार्केट। हस्बैंड क्या करना चाहता था, एक्स्ट्रा मिल्क जो है उसको मार्केट में बेचना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड द गोपाल भांड से ही वाज डूइंग। गोपाल भांड ने क्या कहा कि वो क्या कर रहा था। आंसर इज गोपाल भांड सेड दैट ही वाज ड्राइविंग अवे द ग्रीडी काउस फ्रॉम हिज फील्ड। गोपाल भांड जो है वो क्या कर रहा था, ग्रीडी काउस जो उसकी फील्ड में घुसी हुई थी उनको ड्राइविंग अवे मतलब भगा रहा था, बाहर भगा रहा, फ्रॉम हिज फील्ड उसकी खेती में से बाहर उनको भगा रहा था। क्वेश्चन नंबर 5, डिड गोपाल भांड हैव अ फील्ड। क्या गोपाल भांड के पास फील्ड थी। आंसर इज नो, ही डिड नॉट हैव अ फील्ड। उसके पास फील्ड नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डिड गोपाल भांड वांट टू टेल द हस्बैंड एंड वाइफ। गोपाल भांड जो है वो हस्बैंड और वाइफ को क्या बताना चाहते थे। आंसर इज दैट दे बोथ आर इन दे ड्रीम। गोपाल भांड जो है वो हस्बैंड और वाइफ से ये बताना चाहते थे कि दोनों भी जो है वह डे ड्रीम मतलब दिन में सपने देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्रीम एंड अ डे ड्रीम। देखने में ड्रीम और डे ड्रीम में क्या अंतर है। आंसर इज ड्रीम अकर इन पर्सन्स माइंड ड्यूरिंग स्लीप बट डे ड्रीम इज अ सेट ऑफ प्लीजेंट थॉट अबाउट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू डू और अचीव विच मे और मे नॉट बी पॉसिबल। अभी देखिए, जब हम लोग सोते हैं उस समय जो हमारे माइंड में सपना आता है उसको हम लोग ड्रीम बोलेंगे, लेकिन डे ड्रीम का मतलब क्या होता है कि हम लोग दिन में सपने देखते हैं, हम लोग चाहते हैं मतलब प्लीजेंट मतलब क्या, प्लीजेंट थॉट्स का मतलब होता है आनंददायी, जो आपको
खुश कर सके, ऐसे विचारों को लेके आप लोग सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मुझे ये लेना है, मुझे ये अचीव करना है, लेकिन वो पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो दिन में जो हम लोग अच्छे अच्छे विचारों को सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डे ड्रीम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्टिविटी। फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 3 एंड रीड द कन्वर्सेशन इन द स्टोरी अलाउड। आपको क्या करना है, 3-3 के ग्रुप्स बना के ये जो कन्वर्सेशन दिया है उसको जोर से पढ़ना है। ये जो एक्टिविटी है वो आपको क्लास में करनी है। राइट अबाउट योर ओन डे ड्रीम इन शॉर्ट। आपका कोई भी डे ड्रीम है, आपको कुछ ऐसे लगता है कि ऐसा करना है, जो आपको प्लीजिंग थॉट लगता है आपका, जिससे आप लोग बहुत खुश हो जाती हो, तो उसको लिखिए यहाँ पे आपके खुद के वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर 3, बिगिन विद वर्ड्स एंड राइट एज मेनी अदर रिलेटेड वर्ड्स और आइडियाज दैट अकर टू यू इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेप्ट चार्ट और कॉन्सेप्ट मैप। यू कैन चूज द वर्ड फ्रॉम दोज गिवन हियर और यू मे चूज एनी अदर सुटेबल वर्ड। जैसे कि स्कूल है, स्कूल से आपको क्या करने हैं, इससे रिलेटेड वर्ड बनाने हैं। स्कूल से रिलेटेड वर्ड कौन से होंगे, टीचर, प्रिंसिपल, स्टूडेंट, ब्लैक बोर्ड, मेनी अदर्स। आप लोग इसमें बहुत सारे वर्ड्स अपने मन से लिख सकते हैं जो स्कूल से रिलेटेड हो। होम से रिलेटेड वर्ड कौन कौन से हो सकते हैं, हॉल, किचन, स्टडी रूम, डाइनिंग टेबल, और आप लोग बहुत सारे वर्ड्स जो है वो लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग फूड और मेडिसिन से रिलेटेड वर्ड जो आपके माइंड में आते हैं, जो इनसे रिलेटेड हो, तो वो आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे उन लोगों ने एक चार्ट दिया हुआ है, आपकी बुक में एक चार्ट दिया है स्कूल से रिलेटेड वर्ड जो है उन्होंने बनाए हुए हैं। देखिए स्कूल से रिलेटेड वर्ड कौन से हैं, बेल, क्लॉक, रिसेस, फन, टीचर, मैथ, एग्जाम्पल, प्रॉब्लम, बैग, नोटबुक, पेंसिल, न्यू, स्कूल से रिलेटेड फ्रेंड्स, गेम, प्ले, स्कूल से रिलेटेड टाइम टेबल, रेलवे, ट्रेन, जर्नी। आप लोग आपके मन से जो है इस तरीके से चार्ट जो है वो प्रिपेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रुप वर्क। डिस्कस इन अ ग्रुप ऑफ 5 द ओकेजंस ऑन विच यू कैन यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एट लीस्ट 3 ओकेजन ईच। अभी देखिए ऑकेजन का मतलब होता है पर्टिकुलर टाइम। आपको क्या करना है, 5 का एक ग्रुप बना के, हाँ उसमें है ना, ये जो नीचे दिए हुए जो एक्सप्रेशन है, तो उसको आप लोग कौन से टाइम पे यूज कर सकते हैं वो आपको लिखना है। तो ऐसे टाइम जो है वो आपको 3 लिखने हैं। तो आप लोग बच्चों को क्या कीजिए, ये जो वर्ड्स है वो दीजिए और उनको इसके बारे में लिखने के लिए बताइए। दैट्स ट्रू का मतलब होता है बिल्कुल सही। वुडंट इट बी लवली, यह जो है वो प्यारा नहीं है। जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, मुझे रोक के तो दिखाओ। तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशन है आप कब कब यूज कर सकते हैं, जैसे कि दैट्स ट्रू मतलब यह बिल्कुल सही है। जैसे किसी आपके फ्रेंड ने आपसे कुछ कहा और वह चीज जो है वो सही है, तो आप बोल सकते हैं दैट्स ट्रू। कोई चीज जो है वो आपको बहुत सुंदर दिखाई देती है, आपके मन में उसके लिए आपको प्यारी दिखाई देती है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, वुडंट इट बी लवली। अगर कोई चीज आप लोग कर रहे हैं, जैसे आप लोग स्टडी कर रहे हैं और आपका फ्रेंड आपको बोल रहा है कि हाँ हाँ स्टडी मत करो, तो आप उसको बोल सकते हैं जस्ट ट्राई स्टॉपिंग मी, मुझे रोक के तो दिखा। इस तरीके से और भी ओकेजन हो सकते हैं, हाँ, जिसको आप लोग बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो और भी बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो बच्चों आप लोग और सोच के इसके बारे में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5,
language study. See page number 84 and 88. A phrases is a meaningful group of words. For example, one day, some extra money, a few cows, all the milk. From the story, find at least three phrases each that begin with include of the article a and the. फ्रेज मतलब होता है मुहावरे, वह जो होते हैं वर्ड का ग्रुप होता है जो कि एक अच्छा सा मीनिंग जो है वो इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे उन लोगों ने दिए हुए हैं, आप लोगों को पेज नंबर 84 और 88 पे ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखे हुए हैं ए से स्टार्ट होने वाले, ए आर्टिकल से स्टार्ट होने वाला जो फ्रेज है जो बुक में आया हुआ है, अ लॉट ऑफ, अ ड्रॉप ऑफ, एंड से यूज होने वाला इन एंड अदर जार, द से यूज होने वाले वन ऑफ द हार्ड वर्क, इस तरीके के आर्टिकल जो है वो बुक में आए हैं। क्वेश्चन नंबर टू, चूज ए और एन करेक्टली एंड फिल इन द ब्लैंक। देखिए ए और एन हम लोग कब लगाते हैं, अगर कोई चीज जो है वह सिंगुलर है, एक है, तो हम लोग एक यूज करते हैं या फिर एन का यूज करते हैं। जैसे कि अगर कभी वॉवल साइड जैसे कि ए ई आई ओ यू, वॉवल से स्टार्ट होने वाले जो भी वर्ड्स होंगे उसमें क्या लगेगा, एन लगेगा, और कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स रहेंगे उसमें हम लोग क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए अर्थन पॉट, अर्थन पॉट के यहाँ पे क्या लगेगा, ई से स्टार्ट हुआ वॉवल है तो एन अर्थन पॉट। काउ कंसोनेंट, सी जो है वो क्या है, कंसोनेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ काउ। जे कंसोनेंट है जार, जे फॉर जार, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए अ सिस्टर, अ स्टाउट सीड, अ लवली फील, ये सभी जो है देखिए ये यहाँ पे एस जो है वो कंसोनेंट है और एल जो है वो भी कंसोनेंट है, इसीलिए जो है यहाँ पे हमने अ लगाया। स्टार्टिंग में क्या रहेगा, एन आईब्रो, क्योंकि क्या है जो वॉवल से स्टार्ट हुआ है वहां पे हम लोग एन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको क्या करना है, इसके प्लूरल फॉर्म जो लिखने हैं, काउ काउ, पॉट पॉट, जार जार, सिस्टर सिस्टर, मार्केट मार्केट, ड्रॉप ड्रॉप, टिक टिक, कॉर्नर कॉर्नर, फील फील, कुकुम्बर कुकुम्बर। देखिए यहाँ पे प्लूरल बनाते समय हम लोग एस यूज करते हैं या फिर ई एस यूज करते हैं, तो ये जो पूरे वर्ड्स हैं वहाँ पे हम लोगों ने एस यूज करके ही प्लूरल फॉर्म जो है वो बनाए हैं। Thanks for watching.